अभी वो माई मनीषा है ना, देखो चीनी मिल के लिए वो फोटो वायरल हो रहा है, चीनी मिल मांगने के लिए चार पांच को लड़का बैठा है, सब कह दो चार पांच को, सिर्फ चार पांच को कि चीनी मिल चालू होना चाहिए, और माही मनीषा का डांस देखने के लिए 4 लाख का भीड़ है। जरा सोचिए कि हम क्या चाहते हैं, तो हम जो चाहते हैं वही पूरा होता है। अगर हम लोग एक बार, सिर्फ एक बार गांधी मैदान बिना नेता का भर देना, तो हमारे आधे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ दिन पहले टीचर को मार के फाड़ दिया गया है, पूरा कपार से लेके पीठ तक फाड़ दिया गया है। वो आप लोगों को चोट नहीं लगा है, इसलिए वो दर्द का एहसास आप लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके हाथ में तिरंगा है और सड़क पे सोया है, उसको मारा जा रहा है। जरा सोचिए अगर वैसा मार जो है किसी नेता को पड़ गया होता, तो आज पूरा बिहार में ना जाने कितना ट्रेन जला दिया गया होता। लेकिन उन बच्चों के लिए हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उग्र प्रदर्शन कीजिए, उग्र प्रदर्शन का कोई भी रास्ता जो है ना वो सही तरीके से नहीं होता है, उग्र प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन एक बार बिहार के 10 लाख युवा गांधी मैदान में आके गांधी मैदान को भर दे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन 10 लाख युवाओं में से कम 1 लाख युवाओं का समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं अकेले जो है पूरे बिहार को नहीं बदल सकता, 1% बिहार को भी मैं नहीं बदल सकता। कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया उसके लिए मैं मसीहा, जिसके लिए नहीं बनाया उसके लिए मैं दलाल हो जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप हमारे गांव में आया ही नहीं, हमारा समस्या का समाधान नहीं किया, तो अकेले मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हर किसी को बिहारी बनना होगा और बिहार के लिए आवाज उठाना होगा। तो कौन कौन बिहारी बनने के लिए तैयार है? और मैं जब भी बिहार से बाहर जाता हूँ तो एयरपोर्ट पे देखेंगे आप लोग कि मेरे टी शर्ट पे बिहारी लिखा हुआ रहता है, टी शर्ट पे बिहारी लिखा हुआ रहता है। जब पंजाबी लोग अपना पहचान नहीं छुपाते हैं, जब जैन मारवाड़ी लोग अपना पहचान नहीं छुपाते हैं, जब दूसरे राज्यों के लोग अपना पहचान नहीं छुपाते हैं, तो हम बिहारी क्यों पहचान छुपाएंगे? तो बिहार के समस्याओं के लिए कौन कौन लड़ेगा, हाथ उठाइए। अभी वो कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। तो मैं हर भाषण के बाद, हर वीडियो के बाद आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहता हूं, जय हिंद।